अपने डेस्क पे जाओ, मजाल है थानू कभी थोड़ी कुर्सी उत्थे मिल जाए। ये कौन है कुर्सी कड़ीस कड़ीस के चुरा रहा है यार? यार मैं नहीं यार, क्या है, कैसे से लोग हैं ये? मेरे को ना अभी एक हफ्ता होया है ये ऑफिस ज्वाइन करे करे, ये आप सारे ऑफिस वाले नौकरियां करते कैसे हो हैं? मेरा तो एक हफ्ते में दिमाग का बटर मिल्क हो गया है। नहीं मेरे को लगता था मेरे हैप्पी और मिंटी के ही दिमाग के नट बोल्ट टीले हैं, इधर तो आधी जनता के स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने वाले हैं। मतलब होता क्या है ये? एक तो ना सवेरे सवेरे जिंदगी का सबसे बड़ा स्यापा, कैब से कौन कौन आता है? नहीं मैं अमीरों की बात नहीं कर रही जो घर से ही कैब से आते हैं, मैं बोल रही हूँ वो गरीब लोग जो ऑफिस की कैब से आते हैं मेट्रो स्टेशन से ऑफिस तक। मिस्टर इंडिया की औलाद मिलती है कभी? वो कभी नहीं मिलती। जे मिल जाए तो ऐसा लगता है कि मतलब छोले भटूरे मिल रहे हैं फ्री में, उसके अंदर लोग ऐसे टूट के पड़ते हैं उसको। That is the beginning of your day. उसके बाद ऑफिस पहुंचो, उस दिन मैं पहुंची, पता है कि भाई साहब क्या कर रहे हैं? अपना आईडी कार्ड लेके ना वो जो पता नहीं क्या एंट्री के इनके जो भी होता है उस पे लगा रहे टी 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 टी, वो करी जा रहा भाई साहब करी जा रहे, देख नहीं रहे की हो रहा है। मैं देखा ऐसे करके क्रेडिट कार्ड लगा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड कौन लगाता है? मैंने कहा भाई साहब ये मशीन को शगन डालना बंद करो, कंपनी बहुत पैसे दे रही है तो मेरे को दे दो है। फिर मैंने खोला तो अंदर घुसे हैं वो। अच्छा अंदर घुसते ही होर एक पानीपत की लड़ाई चल रही होती है, क्या पता है? अपने डेस्क पे जाओ, मजाल है थानू कभी थोड़ी कुर्सी उत्थे मिल जाए। ये कौन है कुर्सी कड़ीस कड़ीस के चुरा रहा है यार? और कौन है ये कुर्सियों की जायदाद कौन बना रहा है? और जाति कहाँ है ये, किधर जाती है? तो जो बच जाती है उसका कुछ चलता ही नहीं है। किसी की बाजू टूटी हुई, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, किसी की लत टूटी हुई है, कोई नीचे जाती है तो उतर ही नहीं आती। अब जिनकी हाइट तो ठीक ठाक है वो तो ठीक है, मेरे वर्गे लोग ऐसे शाहरुख खान का जीरो बन के बैठे रहते हैं पूरा दिन, दिखते भी नहीं है, मैनेजर को पता ही नहीं लगता आए हैं कि नहीं आए हैं। एक ये मीटिंग रूम का ना अलग ही रफड़ है, मतलब मैं बता रही हूँ दिल्ली पुलिस का नाका फेल है इसके आगे। एक एक साल तक ब्लॉक कर लेंगे और फिर हिलेंगे ही नहीं वहाँ से, ना ना तो ना डकारना, सब कुछ ओथे ही करना है। ते लंच डिनर भी लोग उधर ही कर लेते हैं, मतलब क्या है? अच्छा लंच ते आते हैं, मतलब मैं बता रही हूँ हैप्पी के ना सिर में पूरी जिंदगी में इतनी जुए नहीं हुई जितनी वहाँ लोग होते हैं। इतने लोग कितने से आते हैं और पूरे दिन काम क्यों नहीं करते, ये दिखते तो है नहीं। उसके बाद माइक्रोवेव के आगे ना इतनी लंबी लाइन लगी होती है, लोग सब्जियां और दाल उबाल के ले आते हैं, तड़के सबके इधर ही आके लगते हैं। आ की तरीका होता है, पीछे बेचारे अंकल बुढ़े हो गए खड़े खड़े, ये तो स्यापा है ही, पर जैसे उसे अपना खाना नहीं ले आए ना और वड्डा स्यापा है। मैं दस दिया क्यों, सब्जी देखी करे ऐसे लगता है तरी में कूद के आलू मटर ने जान दे दिए, और पनीर की सब्जी में पनीर तो होता ही नहीं है, और रोटी ने गली बॉय देख ली बहुत बार, हो तो बहुत हार्ड वो ही चलता रहता है उसका। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, झूठ नहीं बोलना, अपने अपने घर में अपने अपने हाथ रेस कर लेने, जिसको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। कभी तुसी वॉशरूम में घुस के ये देखा है कि सीट पे बरसात मूवी का टाइटल ट्रैक चल रहा हो? कैसे कर कैसे लेते हो तुसी ये चीजें हैं? ते प्लीज रब दे वास्ते फ्लश कर दिया करो, 10 सेकंड लगता है, मेनू कोई शौक नहीं है थोड़ी मोनालिजा देखने का प्लीज। मतलब मेनू पता धरती ते पानी कम है असी बचाना है, पर एना भी नहीं बचाना, हाथ धो लिया करो यार प्लीज। जेड़े तो लेंदे ना उनका अलग से टिश्यू बॉक्स है ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चल रहा होता है, आ जा आ कट कर भैन जी, हाथ पोचने हैगे है, पूरे मोहल्ले दे न्याणे नहीं नलाने हैगे, तुसी थोड़ा टेक इट इजी करो ना, मतलब इतना क्या युद्ध थोड़ी है जो आपरे लड़ना है, मतलब प्रीतो कैन यू कम हियर फॉर अ सेकंड, ये मेरा बॉस है, मैं बता रही हूँ ये अलग रफड़ है जिंदगी में, इसकी अंग्रेजी समझ नहीं आती मेरे को। कमिंग सर, कमिंग कमिंग